अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाया? कराची। सिकरदू की खूबसूरती और कैसे लगे आपको, और ये वाटरफॉल के बारे में आपकी क्या राय? कोविड का एक तो फ़ायदा हुआ है कि हम लोग अपने ही मुल्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज लाइक उससे पहले इंटरनेशनल जाते थे तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल। पाकिस्तान का कोई टक्कर नहीं है, लाइक हर चीज़ अवेलेबल है पाकिस्तान में। अगर ब्यूटी की उससे देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ लाइक ब्यूटीफुल, कुछ भी नहीं कह सकते। और लाइक यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा सब कुछ होगा। और बस थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए यहाँ का तो फिर हम लोग इंटरनेशनली किसी भी उससे कम नहीं हैं, अगर देखा जाए ब्यूटी से रिलेटेड। हमारे व्यूवर्स हैं, आपके जो बाकी जो कराची में हैं साथी हैं, एवन दुनिया के मुख्तलिफ कोने में बैठने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए आपके क्या पैगाम होगी? उनके लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। आप लोगों को जो भी मीडिया दिखा रहा है वो सब कुछ सच नहीं होता। आप लोग खुद यहाँ पे आएँ और देखें कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया मैनिपुलेट करता है, सच को छुपाता है। पाकिस्तान के लोग भी अमन वाले हैं और पाकिस्तान भी एक अमन पसंद मुल्क है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहाँ से आए हैं? कराची। कैसे लगा वाटरफॉल? बहुत अच्छा। आप एंजॉय कर रहे हैं? जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशल। कहाँ से आए? कराची। सिकरदू कैसे लगे आपको? बहुत प्यारे है, बहुत ठंडा भी है, कराची के बाद तो बहुत ठंडा है। कराची तो बहुत गर्म जगह है, लेकिन फिर भी अच्छी है, कराची भी पसंद है हमें। हमारा होम टाउन है। ये वाटरफॉल कैसे लगे आप? बहुत प्यारा है, यहाँ पे तो बहुत ठंडा है और ये वाटरफॉल बहुत प्यारा भी है। एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत। आप अपने भाई के साथ आए? हमारे ये हमारा कज़न है और मेरा भाई भी आया मेरे साथ। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। कहाँ से आप? कराची। कैसे लगा आपको ये वाटरफॉल? ठीक, सही है। आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? खानिया से। नाम क्या है आपका? रीमल राव। कैसे लगा ये वाटरफॉल आपको? बहुत अच्छी। अच्छा, सिकरदू कैसे लगी? कैसे? अच्छा है। अच्छा है, विजिट करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप अपने दोस्तों को, अपने जो आपके शहर में है उनको क्या कहना चाहेंगे? कि ये वाली जगह बहुत अच्छी है, आप इधर आएंगे तो आपको बार बार दिल करेगा कि आप इधर आकर विज़िट करें, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? महरौ शाह। कहाँ से आए आप? खारियाँ। कैसे लगी आपको सिकरदू? बहुत अच्छा लगा सिकरदू। ये वाटरफॉल आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आप कि वो यहाँ आए और यहाँ एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोहान। कैसे लगा आपको ये वाटरफॉल और सिकरदू? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वाटरफॉल और सिकरदू इज़ बेस्ट प्लेस। आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा आप सिकरदू में ज़रूर आए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? कराची। कैसे लगा ये वाटरफॉल? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। सिकरदू का खूबसूरती के बारे में आपको क्या क्या व्यूज़ है? कि सिकरदू बहुत नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है, पूरे माउंटेन्स और बहुत अच्छी अच्छी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। और आप इंजॉय कर रही है? बहुत ज़्यादा। अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि सिकरदू ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपके जो सारे नेगेटिव थॉट्स है ना वो सारे आपके रिमूव कर लेता है, बहुत अच्छा ही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रियान। कहाँ से तशरीफ़ लाए? कराची से। कैसा लगा सिकरदू? बहुत अच्छा है, यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अभी हम कल समंदर में भी गए थे, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। आप इंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ पे आएंगे, विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? दानियाल जावेद। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं इस्लामाबाद से हूँ, बैरियर टाउन।
स्कर्दू के खूबसूरती और यहाँ के जो लोगों के बारे में आपके क्या राय है? मैंने अभी ये सेकंड टाइम विज़िट किया है स्कर्दू में, ठीक है। मुझे बहुत शौक है नॉर्दर्न एरिया विज़िट करने का। स्कर्दू जो है बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। उनके दिल बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। यहाँ पर जितना टूरिस्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर जाता है स्कर्दू से। और स्कर्दू बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप अपने साथियों को जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम देना चाहूँगा जी, देखिए अभी तो कोरोना है, सबसे पहले उनको ये चाहिए कि मास्क वगैरह का यहाँ पे ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि आपके अभी जो आगे छुट्टियाँ आएंगी बच्चों के लिए, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, लोग आएँ, सब रास्ते क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ रास्ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इजीली आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं और बाहर रहना चाहें तब भी आ सकते हैं, लेकिन स्कर्दू एक दफ़ा ज़रूर ज़िंदगी में विज़िट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम और कहाँ से तशरीफ़ लाए? मेरा नाम जाहिद है और मैं खारिया से आया हूँ यहाँ पे 3 दिन के लिए, और यहाँ पे स्कर्दू में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। सर आपको कैसा लगा स्कर्दू और स्कर्दू के जो लोग हैं यहाँ पर बसने वाले लोग हैं? स्कर्दू के लोग इंतहाई प्यार करने वाले, इंतहाई अच्छे, हॉस्पिटेबल और टूरिज़्म को फ़रोग देने वाले लोग हैं। इंतहाई अदब से, प्यार से बात करने वाले, हर तरह से गाइड करने वाले, और यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। यहाँ का माहौल आप इंतहाई सेफ़ फील करते हैं यहाँ के लोगों में। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे व्यूवर्स हैं? मैं सबके लिए यही पैगाम दूंगा कि यहाँ पे आएँ, देखें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, हॉस्पिटेबल और बहुत मज़े के लोग हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? कराची से। कैसे लगे आपको स्कर्दू? स्कर्दू काफ़ी बेहतर है, मतलब हाँ अच्छा है। अच्छा है। इस वाटरफॉल के बारे में आपको कैसे लगी और आप इंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, पहली बार आए यहाँ पे, बट स्कर्दू में पिछले 10 साल से आ रहे हैं तो ये पहली बार देखा तो अच्छा लगा। आप फैमिली के साथ आएँ? जी जी। बहुत शुक्रिया। सलाम सर, क्या शुक्रिया। कहाँ से शिफ्ट लाएँ? सर कराची से। सर स्कर्दू की ब्यूटी और इस जगह के बारे में आपको क्या राय है सर, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे खूबसूरत जगह जो आज तक जो हमने घूमी है, हम तकरीबन हर साल यहाँ पे हमारा आना होता है और बहुत ही मेस्मराइजिंग जगह है ये, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कुदरत है सारी। बस स्कर्दू के पीपल्स के बारे में आपकी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे कोऑपरेटिव और बहुत ही तावन करदा लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। आप हमारे जो व्यूवर्स हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो हमने कभी तस्वुर में भी नहीं है। बहुत खूबसूरती है, बहुत कुदरती अलामत ऐसे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं, हमारे वहम गुमान में भी नहीं है। सो इट्स बेटर टू प्रमोट पाकिस्तानी टूरिज़्म, हमारी जगहों को प्रमोट करना चाहिए और बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर? आप खैरियत से हो? कर लेना और दूसरा बता देना गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, यहाँ के टूरिज़्म के हवाले से, और अपना जो भी पैगाम देना चाहते हैं आप, माशाल्लाह से ISP है आप, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कराची से आए हैं, मेरा तारफ में DSP हूँ वहाँ पुलिस में, ये मेरे साथ सारा थाने का अमला साथ हैं, SHO और दीगर। हम कराची से बाय रोड आए हैं, सारी जगहें घूमते फिरते आए हैं। हमें बड़ा शौक़ था कि स्कर्दू जाएं, रास्ते में बड़ी तकलीफें हैं, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है, काम हो रहा है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा तो हम नज़दीक हो जाएंगे इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में। हम शंगरीला गए, बहुत अच्छी पॉइंट लगी, हमने पूरा पाकिस्तान देखा है, जो यहाँ के अच्छी लगी है पॉइंट, ये हम आज मंटुक फाल पे आए हैं, कुदरती आबशार हैं बहुत अच्छे, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, खाने लजीज हैं, और लोगों से, आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी आई है। शुक्रिया सर। आप यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के लोगों के बारे में सर? आप टूरिस्ट के लिए पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कराची से आए हैं कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम शंगरीला में ठहरे हुए 2 दिन से, तो हमें इस पॉइंट का पता नहीं था, तो हमने वहाँ पे मुकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक पॉइंट और है जिस जहाँ पे आबशार गिरता है। जब हम यहाँ पे आए तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट देखे हैं, वैली देखी है,
और ये दूसरा पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा है इस वक्त ना, और लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़रूर आएँ यहाँ पे ना, अपनी फैमिली को लेके आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ और लुत्फ अंदोज़ हो इस क्लाइमेट से। इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे ना, और लोग भी बड़े मोहब्बती हैं और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं ना, बस यही मेरा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद हसन है, मैं कराची पुलिस से वापसी करता हूँ, और मेरे DSP साहब और इंस्पेक्टर और दूसरे जितने भी पुलिस कॉम्रेड हैं, हम यहाँ पे कराची से जब हम निकले हैं तो हमारा बहुत बेहतरीन सफ़र रहा, और हम अपनी कन्वेंस अपनी गाड़ी पर यहाँ तक पहुँचे। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे हम रुकते हुए आए, बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन स्कर्दू तक का रास्ता जो है वो बहुत दुश्वार गुजार था और बहुत मुश्किल रास्ता था। तो मेरी हुकूमत से अपील यही है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द अच्छा करें ताकि टूरिस्ट यहाँ आ सकें। हम अपना स्टे शंग्रीला में किया है और हम शंग्रीला में 2 दिन से रह रहे, और हम अपने DSP साहब की अंडर चेयरमैन ऑफ कमांड तमाम इलाका पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं। और गवर्नमेंट से मेरी एक दफ़ा फिर अपील है कि इस रोड को जो स्कर्दू के लिए, इसको प्लीज़ जल्दी से और बहुत अच्छा सा बनाएं ताकि पब्लिक आ सके, और जब यहाँ आएँ तो एहतियात से और अपने तमाम सामान के साथ यहाँ पहुँचें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी नहीं। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी एक जगह रास्ते में हम जगह भूल गए थे, तो यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें वो रास्ता बताया और हम अपनी मंजर मकसूद तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं Star TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे व्यूज़ लिए यहाँ पर और जो लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कचुरा से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, वैसे आप भी लोकल हैं हमारे एरिया की खूबसूरती का नारा में, आप हमारे व्यूवर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया मंटुका आबशार बहुत खूबसूरत जगह है। वाकई में आके इधर देखा तो वाकई में बहुत खूबसूरत लगा। अभी सुनने में आ रहे हैं अभी ये जो क्या कहते हैं पानी बढ़ने से ना, इससे भी खूबसूरती आते हैं। अभी तो पानी थोड़ा कम है, फिर भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ से आके थक गया था, इधर आके बहुत बड़ा मज़ा आया, बहुत शुक्रिया, थकावट ख़त्म हो गया मेरा। स्पेशल पर्सन बहुत शुक्रिया। वैसे यहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए आने के लिए बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई अच्छा सा रास्ता हो जाए, ये जो व्हील चेयर आने के लिए जो मजदूर हजरात है, बुज़ुर्ग हजरात है, उनके लिए भी रास्ता कोई अच्छा सा रास्ता हो जाए ना, फिर उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।